फिफ्थ क्लास, अब आप इंग्लिश निकालेंगे। इंग्लिश का थर्ड चैप्टर चलेगा आपका द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। आर वी ऑल द सेम साइज, क्या हम सभी सेम साइज के हैं, एक ही आकार के हैं? नो वी ऑल आर नॉट इज द सेम साइज। वी ऑल आर नॉट द सेम साइज, नहीं हम सेम साइज के नहीं हैं। कैन ए स्मॉलर एनिमल हेल्प ए बिगर एनिमल, क्या एक छोटा जो एनिमल है वो बड़े एनिमल की हेल्प कर सकता है? यस, ए स्मॉलर एनिमल कैन हेल्प द बिगर एनिमल। यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर एंड ब्रदर्स, डू यू हेल्प देम? आपको हमेशा आपके छोटे बहन और भाई की हेल्प करने के लिए कहा जाता है, तो क्या डू यू हेल्प देम, क्या तुम उनकी हेल्प करते हो? यस, आई ऑफन हेल्प माई यंगर सिस्टर एंड ब्रदर। हाउ डू यू यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स हेल्प यू, क्या तुम्हारे छोटे भाई बहन भी आप तुम्हारी हेल्प करते हैं? माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प मी इन माई डेली रूटीन वर्क, डेली रूटीन वर्क में हेल्प करते हैं। तो अब आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है बेटा। लॉन्ग लॉन्ग अगो ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट। बहुत समय पहले एक चूहों का ग्रुप एक जंगल में खुशी खुशी रहता था। वन डे ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। एक दिन एलिफेंट्स का समूह यानी कि हाथियों का समूह उस रास्ते से पानी की तलाश करते हुए गुजरा। Many homes of the rats were destroyed under their big feet. तो उनके हाथियों के बड़े बड़े पैरों से बहुत सारे चूहों के घर नष्ट हो गए। Some rats were also killed, कुछ चूहे मारे भी गए। Word meanings हैं forest यानी जंगल, herd यानी a group of same kind of animals, search यानी खोज, एरिया यानी रीजन क्षेत्र, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट होना। दिस पैसेज इज अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में है? फॉरेस्ट के बारे में। वेयर डिड द ग्रुप ऑफ रैट्स लिव, ये रैट्स का ग्रुप कहाँ रहता था? द ग्रुप ऑफ रैट्स लिव इन ए फॉरेस्ट। हु पास थ्रो दैट एरिया, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास थ्रो एरिया। Why did they pass from there? वे वहाँ से क्यों गए? They passed from there in search of water. How were some rats killed? Some rats were killed under the elephant's feet. The rats, how did the rats live? The rat lived happily. What were the elephants searching for? The elephant were searching for water. नेक्स्ट आपका आता है द किंग ऑफ रैट्स मूषक राज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स गजराज एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रो अनदर रूट टू द पॉन्ड। द किंग ऑफ रैट्स मूषक राज, तो चूहों का राजा मूषक राज जो था वो हाथियों के राजा गजराज के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि अपना जो समूह है वो तालाब तक दूसरे रास्ते से जाएं, यानी कि अपने समूह को पॉन्ड तक, तालाब तक किसी दूसरे रास्ते से अपना रूट बना लें। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स। तो उसने चूहों की जो प्रार्थना थी वो स्वीकार कर ली और उन्हें बताया कि एलिफेंट जो हैं वो दूसरे रास्ते से चूहों को बिना डिस्टर्ब किए, बिना परेशान किए दूसरे रास्ते से तालाब पर चले जाएंगे। मूषक राज वॉज़ वेरी हैप्पी
एंड प्लीज्ड विद गजराज। अब मूषक राज जो था वो बहुत खुश हुआ और वो गजराज से बहुत खुश था। ही थैंक्ड हिम एंड प्रोमिस्ड फॉर दैट ही द रैट वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड। उसने उनका धन्यवाद किया, यानी कि चूहे के राजा ने हाथियों के राजा का धन्यवाद किया और उससे प्रॉमिस किया, उससे वादा किया कि रैट जो हैं चूहे हमेशा उनकी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे अगर एलिफेंट्स को कभी भी उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो रिक्वेस्ट माने प्रार्थना करना, रूट माने रास्ता, पॉन्ड माने तालाब, एक्सेप्टेड माने स्वीकार करना, डिस्टर्बिंग माने परेशान करना, प्लीज्ड माने खुश होना, थैंक्ड माने धन्यवाद करना, ग्रेटफुल माने प्रॉमिस माने वादा करना, प्रॉमिस करना, ऑलवेज माने एवर, रेडी माने तैयार, टू हेल्प माने मदद करना, इफ नीडेड माने अगर ज़रूरत होगी। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चंस। गजराज वॉज द किंग ऑफ रैट्स एंड एलिफेंट्स, द किंग ऑफ एलिफेंट्स ए रैट, तो क्या आएगा इसका आंसर? द किंग ऑफ एलिफेंट्स। गजराज कौन थे? किंग ऑफ एलिफेंट्स। What did the king of elephants do after accepting the request? He told the elephants to take the other way. What did the king of rats promise? He promised that the rat would always be ready to help the elephants if needed. उसने प्रॉमिस किया कि अगर चूहे हमेशा एलिफेंट्स की हेल्प के लिए तैयार रहेंगे अगर उनको ज़रूरत होगी। हु थैंक्ड टू हूम? मूषक राज थैंक्ड गजराज। हु वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट? हु वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट? मूषक राज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट। व्हाट वाज द रिक्वेस्ट मेड टू गजराज? द रिक्वेस्ट मेड टू गजराज वाज टू टेक हिज हर्ड फ्रॉम अनदर रूट, दूसरे रूट से पॉन्ड तक जाने के लिए रिक्वेस्ट थी। हु वॉज प्लीज्ड विद गजराज? मूषक राज वॉज प्लीज्ड विद गजराज। कौन किससे खुश था? गजराज से कौन खुश था? मूषक राज वॉज प्लीज्ड विद गजराज। गजराज से खुश था कौन? मूषक राज। ओके बेटा, हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे। अभी आप इतना रीडिंग करिए और इसको लर्न करिए। ओके।